सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम सब लोग जा रहे हैं आज बाहर, और कहाँ जा रहे हैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो काफ़ी टाइम से लॉकडाउन की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे, तो मैंने कल प्लानिंग किया, मैं सबको बोला कि चलते हैं कहीं पर, और वहाँ पर एक मॉल भी खुला है तो वो मॉल भी घूम लेंगे। तो कैसे क्या होता है आपको सब तो पता चल ही जाएगा ब्लॉग में। तो अभी चलते हैं और सबसे आपको मिलाता भी हूँ। चलो 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 चलो। हाँ तो गाइस, हम लोग बाहर आ चुके हैं और बस सब लोग रेडी हो गए हैं। यहाँ मम्मी पापा सब रेडी है, तो पापा यहाँ ड्राइव करेंगे। और गाइस आपको बता दूँ कि मुझे इंजेक्शन कहाँ पर लगा था। तो गाइस आप देख सकते हो, ये हम लोग का डिस्पेंसरी है, घर से बिल्कुल सामने है, तो हम लोग को इंजेक्शन यहाँ पर लगा था बस। और अभी चलते हैं और जो भी होगा सिचुएशन आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो लेट्स गो। तो गाइस हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। ओह माय गॉड, और यहाँ पर पापा भी ड्राइव कर रहे हैं, और पापा बहुत हैवी ड्राइवर है मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये अकेले ही ड्राइव करके यहाँ से गांव, मतलब दो दिन का जर्नी है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा। कितना किलोमीटर होगा 1000 किलोमीटर ना? हाँ, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ये ड्राइव कर चुके हैं, अकेले ड्राइव की थी। यहाँ से तो पता का 15 किलोमीटर है, और जगह कितना किलोमीटर होगा? 22। तो गाइस हम लोग का ये जर्नी होगा 22 किलोमीटर। तो यहाँ पर बहुत सारे बकरियाँ परेशान कर दी, जाने दे नहीं रही है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, और फैमिली के साथ तो और बहुत मज़ा आता है। तो काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड भी है और बहुत खुशी भी है। हाशिमारा हम लोग ये घर से जस्ट 2 किलोमीटर है, तो कुछ भी होता है हम लोग यहीं पर आके शॉपिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पर आपको वेजिटेबल मार्केट भी मिल जाएगा, यहाँ वेजिटेबल मार्केट। तो गाइस देख सकते हो, ये हो गया हमारा वेजिटेबल मार्केट यहाँ पर। हम लोग अब घर से 2 किलोमीटर चल चुके हैं, और मतलब फैमिली के साथ जाने में बहुत ही मज़ा आता है, और काफ़ी टाइम बाद हम लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अभी फिलहाल एक पोपट हो गया था, मतलब वहाँ पर जाके मैं कुछ वीडियोज़ बनाऊंगा, तो फिर उसके लिए मैं कपड़ा भूल गया था, तो मैं फिर गया और कपड़ा लेकर आया। बस अभी सब सही है, अभी हम जा रहे हैं। बहुत गर्मी भी लग रहा है यार, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो गाइस जहाँ पर मैं वीडियोस बनाता हूँ हाईवे वगैरह में, वो ये प्लेस है। जब बारिश होता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, इसलिए मैं ये वहाँ पर पसाखा पार हो जाएगा। कितना किलोमीटर है वैसे पसाखा? अगर चाहोगे क्योंकि पसाखा वाला चले तो 15 किलोमीटर, यहाँ से जाएगा हो गया आपका 14 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग का जर्नी स्टार्ट होता है गाइस। बस अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, फटाफट वहाँ पहुँचते हैं जगह पर। तो गाइस यहाँ से और 14 किलोमीटर है जगह, और वहाँ पर एक मॉल खुला है, हम लोग वहाँ पर वहाँ भी जाएंगे मॉल में, क्योंकि अभी न्यू मॉल खुला है तो बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे। और अभी अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। बारिश आएगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो बारिश आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो उसके फ़ायदे भी है और प्रॉब्लम भी होगा बारिश से, हम लोग कहीं पर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गर्मी को हम लोग सह सकते हैं, लेकिन अगर बारिश आ जाएगा तो हम लोग फिर कहीं पर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से
हमें राइट टर्न करना पड़ेगा, 8 किलोमीटर है, और अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो हम जयगांव जाएंगे, और जयगांव हो गया 7 किलोमीटर जैसे बोर्ड में आपको दिख रहा है। और यहाँ पर चेकिंग वगैरह चलती है खूब। तो गाइस यहाँ का देखिए कैसे छोटे छोटे नदी है यहाँ पर, बट अभी सूखा है, लेकिन जब यहाँ पर बारिश होती है तो पूरा भर जाता है ये। और फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो बहुत इंजॉय आ रहा है, मौसम इतना अच्छा है ना गाइस, मतलब ट्रैवल करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, और फैमिली के साथ ट्रैवल करो तो भाई आई मीन सुकून मिलता है। यहाँ पर कितना अच्छा मौसम हो गया है, और यहाँ पर टी गार्डन देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है टी गार्डन, और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही है, चल रही है, बहुत लाइव चालू कर दो इंस्टाग्राम में, तो पापा अभी लाइव चालू करने वाले हैं इंस्टाग्राम में, देखते कितने लोग ऐड होते हैं। यहाँ पर तो नेटवर्क मेरे को देना ना, यहाँ पर तो नेटवर्क भी ऐसा भयंकर है ना कि आप बोले चलता ही नहीं यहाँ पर नेटवर्क, और जियो का अभी शायद भी नेटवर्क ठीक हो चल जाए। तो गाइस यहाँ पर मैं लाइव भी आ रहा हूँ और ब्लॉग भी कर रहा हूँ, दोनों साथ में हो रहा है। आदित सबसे पहले जुड़ा है, रोशनी तिवारी है वो जुड़ी है, नाम मामा। अच्छा मामा यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं। और कैसी है पब्लिक? हाय अंकिता गुप्ता, हाय भैया, हेलो अंकल, हेलो, पीछे सब लोग बैठे हुए हैं, तो बता दो आज हम लोग जा रहे हैं। हाँ तो गाइस हम लोग जा रहे हैं जयगांव भूटान, और यहाँ पर ब्लॉग भी चल रहा है। यार यहाँ पर कदम कदम पर आपको यहाँ पर स्पीड ब्रेकर देखने मिलेगा, पुचका आ रहा है, पुचका जयगांव, यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड रहता था, यहाँ पर मिलिट्री वाले लोग रहते हैं, उनका क्वार्टर्स वगैरह यहाँ पर। सब आ गए, चलिए आइए बैठिए। आ गए हम भोग बाजार में, जल्दी आओ, फटाफट, नए मेरा जींस भी नहीं सूखा हुआ था। और गाइस हम लोग जयगांव में एंटर कर चुके हैं, और मॉल पहुंचता हूँ फिर।
करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये ट्राई करता हूँ। गाइस कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अभी मैं दूसरा ट्राई करता हूँ, आप लोग वो बताना। गाइस मैं अभी ये ट्राई करता हूँ, ठीक है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह। तो गाइस मैंने एक कपड़ा सेलेक्ट कर लिया है जो आपको दिखाया था, जींस टाइप के हैं जो पहनूंगा आप लोग देखोगे। और अभी देख रहे हो यहाँ पर हम लोग यहाँ फंस चुके हैं क्योंकि यहाँ बहुत तेज बारिश आ रही है, आप यहाँ देख सकते हो। यार अभी हम लोग को यहाँ से जाना है एम बाज़ार, क्योंकि वहाँ भी देखना है कुछ कपड़े वहाँ भी सेलेक्ट करने हैं। तो अभी तो बहुत तेज़ बारिश आ रहा है यार, मतलब बादल वादल अब कब तक रुकेगा, इतने मोटे मोटे बूंद गिर रहे हैं। वैसे अभी क्या करें, यहीं पर अटक गए हैं। हल्का कम होता है तो फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। पापा जा रहे हैं गाड़ी लाने के लिए, भीगते नहीं है नहीं है। आप देख सकते हैं कितना तेज बारिश आ रहा है, इसी बारिश में गए पापा गाड़ी लाने के लिए। ओह माय गॉड, कहाँ पार किए, कहाँ से ज़्यादा अच्छा वहाँ गैप मिला उनको। बारिश तेज होते हुए दौड़ते हुए ये पापा गाड़ी लेके आ चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं भीग भीग के। अरे हम टोपी है यार। हाँ नहीं मैं ही भीगूंगा, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। मम्मी तो निकल चुकी है, आराम से आराम आराम से। ले रहा है फाइनली हम लोग। ब्लॉग बहुत तबाही होने वाला है गाइस, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना। क्या मंदिर, मंदिर है, जय जय भगवान जी। एक और मंदिर है यहाँ। एक सोच रहा हूँ भिगते भिगते एक वीडियो बनाऊँ। इस टाइम बाज़ार आ गए हम लोग, अभी यहाँ पर कुछ कपड़े देखेंगे। कपड़ा लिया होंगे वहाँ से, देखो। चलो कोई नहीं आ रहा। चुके हैं अभी हम लोग सब मोमो खाएंगे, और कुछ वीडियोस बना रहे थे बट ठीक से बना नहीं, और अभी हम लोग मोमो खाएंगे उसके बाद फिर मैं और वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। अच्छे अच्छे लोकेशन मिल सकते हैं। पापा तो फिलहाल गए हैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, फिर वो आते हैं, फिर वो भी ज्वाइन करेंगे हम लोग को। और ये भाई हम लोग सब पहुँच गए हैं मोमो शॉप में। तो मोमो खा लिए, अब हम लोग जा रहे हैं एक अच्छा सा लोकेशन में, वहाँ जाके वीडियोस वगैरह बनाएंगे, फिर उसके बाद सब लोग मोमो खा जाएंगे।
आगे में है जगह लगाने का। गाइस मम्मी थोड़ा डर रही है क्योंकि इतना बाहर से ऊपर गाड़ी चढ़ नहीं पा रहा है। मम्मी बहुत डर रही है, एडवेंचर हो रहा है यार। गाइस गाड़ी यहाँ पर चढ़ नहीं पा रही है क्योंकि ये बहुत हिली एरिया हो गया। हम बहुत पहाड़ के ऊपर तक आ चुके हैं। हाँ अभी उड़ा देंगे तेरे को, आइए आइए। सो गाइस बस हम लोग पहुंच चुके हैं यार। यहाँ का सीन मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ का सीन कैसा है। और फिलहाल मैं अपना ड्रेस चेंज कर लेता हूँ बिकॉज मेरे को रील्स वीडियोस वगैरह बनाने हैं, तो मैं कपड़े लेकर आया हूँ। तो गाइस मैं ड्रेस चेंज कर लिया हूँ, अभी जा रहे हैं। यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है, यहाँ पर मैं कुछ वीडियोस वगैरह शूट करूँगा। और यहाँ पर पापा मम्मी लोग भी है तो मैं उनके साथ भी कुछ वीडियोस शूट करूँगा। और हाँ गाइस अगर आप लोग, और ये सब मैं वीडियो शूट करूँगा रील्स के लिए, इंस्टाग्राम रील्स के लिए, तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी प्लीज़ फॉलो कर लेना। तो बस अभी चलते हैं अच्छे अच्छे लोकेशन में, आप लोगों को कुछ सिनेमेटिक व्यूज दिखाता हूँ, फिर हम लोग रील्स शूट करेंगे। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। तो लेट्स गो। गाइस वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे बन चुके हैं और आपको वो वीडियोस दिख जाएंगे इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और यहाँ पर यार बहुत ही अच्छा लगा वीडियोस वगैरह बना के फैमिली के साथ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी हम लोग जब रिटर्न होंगे घर की तरफ, और यहाँ पर मम्मी सब क्या चीज़ व्यू बोल रहे हैं, क्या व्यू, हाँ हमें फोटो नहीं लिए, फोटो ले लेते हैं, फोटो तो ले लेते हैं। तो गाइस बस यहाँ पर बहुत ही इंजॉय किए और बहुत ही मज़ा आया, और अभी हम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे फिर हम रिटर्न जाएंगे अपने घर की तरफ। ठीक है, तो मैं घर पहुंच के ब्लॉग एंड करूंगा। और अभी फ़िलहाल यहां पर बहुत अच्छा, आप देख सकते हो यहां पर बहुत ही सुंदर यहां पर लोकेशन है, तो यहां कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। हिल से उतर रहे हैं तो आप लोगों को पता है ना हिल से उतरने में कितना स्लाइडिंग होता है, तो अभी यार देखते हैं यार, पापा तो हैवी ड्राइवर है आप लोगों को पता ही है। तो ये किस, ओह माय गॉड, बस यहाँ का लेवल पार हो जाए फटाफट यार। गाइस यहाँ पर गाड़ी उड़ी लाना इस एरिया में बहुत डेंजरस है, तो आप लोग बाइक ही प्रेफर करो, वही बहुत बेटर है। तो गाइस फाइनली हम लोग हिल से उतर चुके हैं, अब नीचे आ गए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं लोकेश भाई का घर। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए लोकेश भाई का घर, और अभी मुझे बहुत प्यास लगा था, पानी पिला के चले फटाफट। अरे यार, अरे ये आ गया, फिर हम लोग को बहुत ये लगा, मैंने यार रुक हुआ वहां पे हम लोग रुक गए। सॉरी
सो हेलो गाइस गाइस, हम लोग फाइनली लोकेश भाई के घर पे आ गए हैं और आस्था उसकी बहन मेरी भी बहन, इसने बहुत प्यारा सा डिश बनाया है। क्या नाम है डिश का? आलू टिक्की बनाया है। बहुत देखने में बहुत प्यारा है। अभी हम लोग खाते हैं इसको और खा कर फिर आपको टेस्ट बताता हूँ कैसा लगा आपको आलू टिक्की। अरे अरे, और ये भी है, ये भी दीक्षा, आपने दोनों को वीडियो में देखा होगा, ये आस्था और दीक्षा को वीडियो में देखा होगा। फिर बोले ये भी था, बस ये वीडियो में आया था, आज आ जाएगा वीडियो में, आप लोग इसको देख लेना। इसको भी बहुत प्यारा सा अच्छा लगता है। नाम क्या है? नैतिक नाम है इसका। चलो अभी मैं टेस्ट करते हैं प्यारा प्यारा आलू टिक्की। तो गाइस मैं अब आलू टिक्की एक बाइट तो ले चुका हूँ, बहुत ही अच्छा लगा है, और मैं दूसरा बाइट आप लोग के सामने ले रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया है, थैंक यू सो मच। तो हे गाइस, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे फैंस मुझसे मिलने आए हैं। कौन कौन है ये? अलीशा आई है, और ये अनोखी आई है, अलीशा अनोखी, और एक दोस्त आर्यन आया है, और आपका नाम? गाइस आप देख सकते हो यार कितनी, मतलब कितना अच्छे से मेकअप हो गया मम्मी का, एकदम फ्रेश लग रही है मम्मी, खुद से कभी मेकअप करती नहीं है, ऐसे नॉर्मल सब पॉन्ड्स का पाउडर लगा लेगी। सो हेलो गाइस, लोकेश भाई के घर पे हम लोग आए और बहुत ही मजा आया, और अभी जाने का टाइम हो गया है, और अभी टाइम हो रहा है, और अभी 7:20 है, 7:20 हो रहा है। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, और अभिलाष सबसे हम लोग मिलिए, जो तुम मिलने आए थे हमसे यहाँ पर, ये अनोखी और अलीशा आर्यन, ये तीनों मिलने आए थे, बस उससे मिले, और बुआ उससे भी मिलिए, हाँ वहाँ से नहीं मिल पाए क्योंकि वो उनको लेट हो रहा है आने के लिए। हाँ तो गाइस ये जो तीन लोग मुझसे मिलने आए थे, अलीशा आर्यन और अनोखी, उनकी मम्मी भी मुझसे मिलना चाहती है, अभी वो भी आ रही है। अरे वीडियो बनाया है, तो अनोखी भी बनाई है, अलीशा भी सब बनाई है। मैं ब्लॉग एंड करता हूँ आज के लिए, इतना ही रखते हैं गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू आर सेफ, बाय।